हरदेव जोशी पत्र जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर संशोधन विधेयक 2022। मैं आसन पर आप विराजमान सदन के सभी माननीय सदस्यों से भी विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, करना न करना आपकी इच्छा पर है, पर ये जो संशोधन आप जो ला रहे हैं ये लाने का आपको अधिकार नहीं है, फिर भी आप उसके बाहर अपनी प्रतिष्ठा को बना करके कर रहे हो और उसके कारण से इस सदन का भी अपमान होगा। आज नहीं होगा तो कल होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। जो काम आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है उस काम को आप अपने इस बहुमत के अभिमान के तहत ला रहे हो, इससे आपकी प्रतिष्ठा तो गिरेगी रही, राजस्थान के इस सदन की प्रतिष्ठा भी गिरेगी कि यहाँ इस प्रकार के लोग बैठते हैं जो कानून को समझे बिना ही हाँ और ना करते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, यह संशोधन विधेयक हरदेव जोशी पत्रिका जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर अधिनियम 2019 की धारा 11 की उपधारा 2 में संशोधित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति की योग्यता में संशोधन किया है। संशोधन जो आप कर रहे हो, जो अभी विद्यमान है, वो है कोई भी व्यक्ति कुलपति के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी प्रतिष्ठित शोध प्रशासनिक संगठन के किसी समकक्ष पद पर 10 वर्ष का अनुभव रखने वाला हो। वो क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार, संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतर स्तर वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद हो। ये हमारा है अभी आज की तारीख में 11-2 में। इसकी जगह आप बदल करके जो करना चाह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति कुलपति के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह किसी विश्वविद्यालय महाविद्यालय के आचार्य के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाला किसी प्रतिष्ठित शोध या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन के किसी समकक्ष 10 वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद ना हो या प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में पत्रकारिता या जनाचार किसी शाखा से न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति। आप इस योग्यता को हटा करके जो हमने और आपने ही यहाँ विश्व इस कानून इसी विधानसभा में बनाया था कि कोई भी वाइस चांसलर बनेगा तो उसे कम से कम 10 वर्ष का प्रोफेसर का उसका अनुभव होना चाहिए, यह कानून बनाने वाली यही संस्था है, यही विधानसभा है। आज यही विधानसभा एक नया इस हरदेव जोशी के कुलपति को बनाने के लिए जो ला रही है वो बिल्कुल नियम के विरुद्ध है। वो इस कारण से है कि चाहे राजस्थान हो चाहे कोई सा भी देश हो, ये जो है हमको यूजीसी के नियमों की पालना करनी पड़ती है। अभी माननीय प्रतिपक्ष के उपनेता ने जो रेफरेंस दिया था, ये जो है ना गंभीर का धन वर्सेज गुजरात स्टेट का जो एक मुकदमा है वो सुप्रीम कोर्ट में चला, उसका सिविल केस नंबर है 1525/2019। उसका अभी फैसला हुआ है अभी 3 मार्च के दिन, अभी जो फैसला हुआ वो अभी 3 मार्च को हुआ है। उस 3 मार्च के फैसले में उन्होंने जो बात कही है अभी बिल्कुल ताज़ा है, आपने शायद पहले बना दिया होगा अपना बिल और इस कारण से आप यहाँ ले आए, आपके ध्यान में नहीं आए, तो मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में UGC रेगुलेशन बिकम पार्ट ऑफ दिस एक्ट इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट लेजिस्लेचर एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेशन शैल प्रिवेल बाय अप्लाइंग द रूल्स प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन इज इन द करेंट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर एनी अपॉइंटमेंट एज ए वाइस चांसलर। ये तारीख का ही फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। चांसलर कंट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ द UGC रेगुलेशन कैन बी सेड टू बी वायलेशन ऑफ द स्टेटूटरी प्रोविजन। रिट जो है उन्होंने इस आधार पर जो है ना की और उसमें उन्होंने लिखा बिफोर पार्टिंग वी मे होप द
that trust that wiser counsel will now prevail and the state government shall amend the state legislation according to per with the UGC regulation. अब ये इसी 3 तारीख का फैसला है, ये इस बात के लिए आपको बाध्य करता है कि यूजीसी के नियमों का ही पालन आपको करगा वाइस चांसलर बनाने के लिए। आपको ये अधिकार नहीं है कि आप यूजीसी के नियमों की अवहेलना करके और आप इसकी जो है अपनी पूर्ति करने का प्रयास करो। मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ और इस बारे में राजस्थान हाईकोर्ट में भी केस अभी फरवरी के महीने में ही दायर हुआ है और उसके तहत आपको भी समन मिल गया, संबंधित को भी मिल गया। एक व्यक्ति को ओबलाइज करने के लिए इतनी बड़ी संस्था जो जनतंत्र की सबसे बड़ा अदालत है, इस अदालत में केवल और केवल हम व्यक्ति और व्यक्ति के हित के लिए इस प्रकार के संस्था का दुरुपयोग करेंगे तो मैं सोचता हूँ ये कोई बहुत अच्छा उदाहरण नहीं बनेगा। इन दोनों कारण से मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको यूजीसी के नियमों की पालना करनी पड़ेगी यूजीसी के। और अभी ये लेटेस्ट फैसला 3 मार्च 2022 को हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है गुजरात स्टेट के साथ जो हुआ है, उसकी पालना आपको करनी पड़ेगी। क्यों अपनी एक तरह से बेइज्जती करा करके लौट करके बुद्धू घर को आए, वैसा करने की ज़रूरत क्या है? मैं सोचता हूँ क्या अच्छे और योग्य व्यक्ति इस देश में नहीं मिलते हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति को ही केवल ऑब्लाइज करने के कारण से हम इस संस्था का भी इतना दुरुपयोग करेंगे। मैं आपसे फिर आसन से निवेदन और आसन के माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन हूँ, महोदय इन दोनों बातों को आप सोचिए। जो आज की तारीख में हाईकोर्ट में एक तरह से पेंडिंग है, विचाराधीन है विषय, उस विचाराधीन विषय पर आप निर्णय करने जा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आप निर्णय करने जा रहे हो और इस संस्था का दुरुपयोग करके और आप इस काम को कर रहे हो। मेरी विनम्र प्रार्थना है कृपा करके संतोष से विचार करिए और इस सदन की प्रतिष्ठा को गिरने से बचाइए। व्यक्ति आएंगे और व्यक्ति जाएंगे, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, कानून महत्वपूर्ण है, कृपा करके उसका पालन करो। श्री जोगेश्वर गर्ग।